विचार तो ये था कि उस गोष्ठी के पहले ही अपन यहाँ उसकी थोड़ी चर्चा करते, लेकिन ये सोचा कि पहले उसमें जो विचार बिंदु आने वाले हैं वो सुन लें, फिर सार संक्षेप में अपन चर्चा करें। डॉक्टर संघवी जी का भी विशेष आग्रह ये था, वो आएंगे शायद अभी, इसमें से आ रही है। एक मिनट, एक ही लेते हैं। मैंने ये सोचा कि अनेक साधर्मी भाई भी ये मांग करते हैं कि आप इस पर स्वतंत्र एक पुस्तक भी लिखें, ऐसी भी मांग आती है, और इसके बारे में कुछ स्पष्ट प्रकाश डालें। इसलिए सोचा दो तीन दिन जितना भी संभव हुए अपन उस बिंदु की चर्चा करते। बैठ बैठ, मैं बोल रही बैठ। तो कहने का आशय ये है कि चर्चा में तो आधे से लगभग बिंदु ऐसे आए जो पीएचडी करने वालों के स्तर के थे, यानी बहुत गहरा अध्ययन जो लोग करते हैं, गहराई से सोचते विचारते हैं, उनके स्तर के थे। मुझे नहीं लगता है कि जो आम श्रोता है, जन सामान्य जो दिन भर में एक आध घंटा प्रवचन सुनते हैं, उनके भी पल्ले कुछ पड़ा हुए। ऐसी आधी चर्चा तो ऐसी नहीं थी, और आधी तो ऐसी थी कि सबकी समझ में आया होगा। तो कल जो सामूहिक चर्चा सभी विषयों पर होने की कोशिश की गई थी, उसमें 50 पॉइंट राकेश जी ने मुझे निकाल के दिए थे। अपन को यहाँ 50 की चर्चा नहीं करना है, लेकिन विषय समझ में आ जावे उसके आधार पर अपन थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं, ताकि आगे जिसको भी ज़रूरत पड़े तो उसका उपयोग भी होता रहेगा, और अपने ज्ञान में भी विषय स्पष्ट होना चाहिए। आप लोग चाहें तो इसकी कॉपी वहाँ से भी ले सकते हैं ऑफिस से। मूल बात तो ये है कि किसी भी बात को समझने के लिए, मैं तो ये भी चाहता हूँ कि जो अपन एक एक टॉपिक लेंगे, 50 में से कम 10-15 ही लेने का विचार है, तो आप भी उसमें से जो आपको विशेष कहना हो या विशेष प्रश्न करना हो तो करना चाहिए।
समझ लीजिए अपनी गोष्ठी हो गई एक, ऐसा मानकर चले आप, तो किसी भी बात को स्पष्ट रूप से समझना हो तो उसमें तीन बिंदु खड़े होते हैं, क्या है, क्यों है और कैसे है। ये तो हमें तब से हमारे दिमाग में है, जब हम दसवीं पढ़ते थे तो हमारी दुकान पर इस कोर्स की किताबें भी मिलती थी, मिडिल स्कूल हाई स्कूल की, तो गाइड भी आती थी, तो गाइड में ये हेडिंग रहता था भौतिक शास्त्र क्या, क्यों और कैसे। उसी शैली में हमने फिर बहुत साल पहले सन 75 से निश्चय व्यवहार क्या, क्यों और कैसे, मतलब ये एक विषय को जानने का बहुत अच्छा तरीका है। तो इसके जो पॉइंट हैं उनको अपन सबसे पहले क्या, क्यों और कैसे इस आधार पर ही शुरू करते। डॉक्टर साहब आपके कहने के अनुसार वो लेकिन अब आप सभी की ये जिम्मेदारी है कि जब मैं एक टॉपिक पूरा करूंगा तो आपसे पूछूंगा भी कि इसमें आपको कोई और प्रश्न है क्या, नहीं भी पूछूं तो आप बीच में भी कोई शंका हो तो आप जरूर हस्तक्षेप करें, पूछें। तो क्या का मतलब क्या है, वो ज्ञान स्वपर प्रकाशक अपना विषय है, तो स्वपर प्रकाशक क्या है, तो स्व और पर को तो सब जानते ही हैं कि आत्मा स्व है और आत्मा के अलावा बाकी सब पर हैं। आत्मा ज्ञान स्वभावी है और जानने का काम ज्ञान ही करता है, इसलिए ज्ञान ही ज्ञान के लिए स्व है और ज्ञान के अलावा जितने ज्ञेय हैं, चाहे वो स्वयं की आत्मा ही क्यों ना हो, त्रिकाली ध्रुव और पर पदार्थ, तो ज्ञान को हम स्व मान के चलें तो बाकी सब पर में चले जाते हैं। जैसे मैं और तुम, तो मैं तो जो बोलेगा वो खुद के लिए बोलेगा और बाकी सब उसके अलावा जो दूसरे होंगे वो तुम में चले जाएंगे, हैं। इसलिए मैं प्राय ये कहा करता हूँ कि जीव तो अनंत हैं और आत्मा एक है, तो जीव तो एक सामान्य चैतन्य पदार्थ हुआ और आत्मा मन तो मैं होता है, तो मैं तो हमेशा एक ही रहेगा, मैं ही मेरे लिए मैं हूं, मैं हूं, तुम हो। तो ये स्वपर की बात हुई और प्रकाश की बात, प्रकाश माने वास्तव में जैसे लोक में ये सूर्य का प्रकाश और भी दूसरे भौतिक पदार्थ हैं, बिजली का प्रकाश, तो जिसमें पदार्थ देखे जाते हैं, ऐसी जो एक समझ लो भौतिक वस्तु है, उद्योग आतप, ये पुद्गल के पर्याय है ना, उद्योग आतप वगैरह, तो ये प्रकाशमान सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे, ये सब प्रकाशमान पदार्थ हैं, क्योंकि इनमें से जो एक प्रकाश निकलता है उसमें अन्य पदार्थ इंद्रिय ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं। अपन आँख से ही देखते हैं ना, देखते तो आँख से हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो हमारे आँख में उस पदार्थ को देखने जानने की शक्ति होनी चाहिए, ज्ञान में तो होनी ही चाहिए, आँख में भी चाहिए, और आँख के माध्यम से वो पदार्थ भौतिक जो है बाह्य पदार्थ वो दिखाई देते। तो लौकिक संदर्भ में देखें तो प्रकाश तो एक पुद्गल की पर्याय है, लेकिन जब इस विषय की बात अपन करें तो वहां प्रकाश का मतलब पुद्गल की पर्याय नहीं है, वहां प्रकाश का मतलब जानना, जानने को ही प्रकाश कहते हैं। सुपर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तमकर ही जासों पूजों परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। नंदीश्वर ने पढ़ा अपने 8 दिन, दीपक की ज्योति प्रकाश तुम तन माई लसे टूटे कर्मन की रास ज्ञान कड़ी दर्शे, इत्यादि इत्यादि।
जहाँ जहाँ भी पूजाओं में दीप का छंद आएगा वहाँ प्रकाश की चर्चा अवश्य ही होगी और मोह का अंधकार दूर करने के लिए दीप से भगवान की पूजा करते हैं तो वो कामना करते हैं मोह अंधकार विनाश ना आए। तो स्व और पर की भी बात अपन ने समझ ली कि ज्ञान स्व है और आत्मा ज्ञानमयी है इसलिए आत्मा स्व है और आत्मा माने तो स्व ही होता है मैं और उसके अलावा बाकी सब पर होते हैं। तो ज्ञान ही एक ऐसी अद्भुत समझ लो चमत्कारिक वस्तु है या आत्मा में एक ऐसा असाधारण गुण है जिसे परिशिष्ट में असाधारण लक्षण कहा है समय सार में, तो वो ज्ञान ही है। इसलिए ज्ञान को ही स्वपर प्रकाशक पना लागू पड़ता है। अब दर्शन में कैसे होता है क्या नहीं होता है कौन आचार्य मानते हैं कौन नहीं मानते हैं इसी में साधारण सभा की विषय वस्तु नहीं मानता। देखो जो दो चार दस विद्वान बैठे हों और वो ही अपने लिए ही चर्चा कर रहे हों तो वो विषय गहरा है बहुत बढ़िया है। स्वाध्याय सभाओं में भी आता है अपना जब नियम सार आया था तब अपन ने चर्चा की थी और बृहद संग्रह की 44वीं गाथा जब द्रव संग्रह पढ़ा था तब भी की थी और इसके अलग से भी दो तीन बार पढ़ने की कि दर्शन में क्या परिस्थितियां बनती हैं। यहाँ अपना उसका विशेष प्रयोजन नहीं। तो ज्ञान में स्व और पर पदार्थों का जो जानना होता है जानन क्रिया टू नो तो उसको ही कहते हैं स्व पर का प्रकाश। और ज्ञान उस प्रकाश मय है या ज्ञान जानने की क्रिया करता है तो कर्तापना लगा करके ज्ञान को स्व पर प्रकाशक कहा जाता है। तो ये मैंने पहला जो बिंदु उठाया कि स्व पर प्रकाशक माने क्या, तो वो ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। और ये प्रत्यक्ष अपन जान सब अनुभव में आता है। हर व्यक्ति जो है वो अपने को जानता है भले त्रिकाली ध्रुव को नहीं जाने लेकिन वो अपने को जानकर ही दूसरों को जानता है। ये जरा गंभीर बात है। अपने को जानकर माने जैसे मैं अभय कुमार हूँ मैं एक पर्सन हूँ मैं व्यक्ति हूँ मैं मनुष्य हूँ लौकिक में तो यही है ना। तो मैं मेरे कोई बहनोई के साहब आएंगे तो कहेंगे ये हमारे बहनोई तो कहा तो उनको है लेकिन अपने को खड़ा करके उन्हें बहनोई बताया। अगर हम अपना लोप कर दें तो वो तो एक जो सामान्य वो भी पर्सन है वो भी व्यक्ति है तो वो ही हो जाएगा। समझ में आया वो बहनोई नाम कभी पाएगा जब अपनी तरफ से वो मैं साइलेंट रहता है मैं बोला नहीं जाता। अरे हमारी बहन आए तो कहेंगे मेरी बहन है और बहन से ही बात करें माँ से बात करें तो माँ से बार बार ये नहीं कहेंगे मेरी माँ। समझ में आया ना माँ से माँ बोला उसका मतलब है कि मैं अपनी तरफ से उसको माँ कह रहा हूँ। यानी आप देखिए जगत के वाणी व्यवहार में भी अपने को स्वयं को मुख रख कर के ही फिर अपने से उसका क्या संबंध है चाहे वो संबंध विभक्ति लगाएं या न लगाएं ये मंदिर है। तो ये हमारा मंदिर है ये इसमें आ गया हमारा मंदिर हमारे लिए है हम इसको देख रेख करते इत्यादि। समझ में आया ना पंडित साहब ये उदाहरण देते हैं बहुत बढ़िया कि हम कि कोई भी रिश्ते की बात करें तो अपने को छोड़ के नहीं कर सकते। ये चाचा हैं ये मामा हैं ये ताऊ हैं किसके तो अपन तो बैठे ही हैं ना उसमें। तो इस तरह जैसे लोक में हम स्वयं को मुख रख कर के दूसरी बात करते हैं दूसरे की वैसे ज्ञान में अभी बिल्कुल सरल बात है कि ज्ञान में जो ज्ञान बना है ज्ञान ज्योति है या ज्ञान पर्याय है वो ज्ञान पर्याय जानने का काम करती यही उसका स्वयं का प्रकाशन है।
जैसे एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा गाया गाना, तो उसने अपनी गाने की कला का प्रकाशन किया है। अब गाने में उसने करुण रस गाया के, हास्य रस गाया के, श्रृंगार रस गाया के, पूजा गाई के, भक्ति गाई के, स्तुति गाई, वो अलग चीज है। लेकिन पूजा भक्ति स्तुति कोई लौकिक कविता इत्यादि के माध्यम से वो उसका गला कितना मीठा है, उसको सुर ताल का कितना ज्ञान है उसने, तो लोग ये कहते भी हैं बहुत अच्छा गाते, तो उसका ही प्रकाशन करते हैं है? बहुत अच्छा गाते, कोई ये नहीं पूछता कि क्या गाते, अरे जो तुम कहो सो गाते, जो कविता कहो सो सुना देंगे, हास्य रस की, रौद्र रस की, श्रृंगार रस की, अध्यात्म की, सब विषयों में गाते हैं, गाते बहुत बढ़िया है। बोलो आप हैं, खैर उसको ज़्यादा लंबाने की जरूरत नहीं है। तो ज्ञान में स्वयं ज्ञान प्रकाशित होता है और ज्ञान ही आत्मा है। इस फार्मूले से देखा जाए तो ज्ञान में आत्मा, अपना आत्मा माने वो ध्रुव वस्तु नहीं, सम्यक दर्शन का विषय की बात नहीं है यहाँ। यहाँ आत्मा माने ज्ञान ने अपने ज्ञान पने को ही प्रकाशित किया है जान करके, और उसमें जो समझ लो स्वच्छता, स्वच्छत्व शक्ति है गेहूं को जानने की, उसकी जो योग्यता है, तो उसमें गे भी प्रकाशित होते हैं। तो एक ज्ञान मात्र ऐसी अद्भुत चीज है कि जिसमें स्वयं ज्ञान और बाकी के पदार्थ जाने जाते हैं, प्रकाशक बोलो या जाने जाते हैं ऐसा बोलो, प्रतिभास बोलो, और भी बहुत सारे शब्द हैं वो सब जानने के संदर्भ में। तो ये तो अर्थ हुआ, सुपर प्रकाशक क्या चीज है ये अर्थ हुआ उसका, इस शब्द का परिभाषा या उसकी व्याख्या हुई। ज्ञान में पदार्थों का प्रतिबिंब पड़ना या पदार्थों को जानना, स्वयं ज्ञान का भी जानना और अन्य को भी जानना, निज और पर का जानन पना, इस कला का नाम सुपर प्रकाश है। अभी आपने प्रतिबिंब बताया, अभी जो चीज अभी सामने है तो बराबर है, जो चीज पूर्व में हो गई है करोड़ों वर्ष पहले या जो चीज करोड़ों वर्ष के बाद में होने वाली है तो ज्ञान में आ रहा है, तो एक ज्ञान की दिव्यता एक प्रकार की दिख रही है जो मेरी समझ में है। ये प्रतिबिंब की बात आ रही है, वो बहुत सी बहुत टाइम समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो चीज है ही नहीं तो उसका प्रतिबिंब कैसे गिरेगा। देखिए आपने बोला है इसमें आया कि नहीं मुझे पता नहीं आएगा, शायद मैं रिपीट करता हूँ कि जो चीज सामने है उसका प्रतिबिंब पड़ता है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जो नहीं है सामने और वो कैसे आती है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमको अनंत काल भले नहीं हमारे अंदर जानने में आता है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी कम है ज्ञान की, लेकिन पर्याय में, लेकिन कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, दो दिन पहले क्या हुआ था, तो ये अभी सामने तो वो घटना नहीं है, तो पहले की बातें हम नहीं जानते हैं क्या? जानते ही हैं ना, हैं? तो स्मृति ज्ञान, भूतकाल की पर्यायों का पृथ्वी पे पढ़ना उसका नाम स्मृति ज्ञान है, वो मेमोरी में आ जाता है। तो अपनी बात चल रही है, ये तो मैंने क्या बताया कि करोड़ों वर्ष, करोड़ों वर्षों पहले, तो पहले तो ये नक्की कीजिए कि भूतकाल भी जाना जा सकता है, तो फिर करोड़ों वर्ष पुराना जाना जाए कि अनंत काल पुराना जाना जाए, वो प्रॉब्लम दूसरी है। लेकिन जो आज एट प्रेजेंट नहीं है, पास्ट में चला गया, और ज्योतिष लोग जो हैं, वैज्ञानिक लोग जो हैं, ज्योतिष लोग जो हैं, वो फ्यूचर की भी बात कहते हैं। समझ में आया, बरसात होगी नहीं होगी, मौसम कैसा होगा, और जो सूर्य ग्रहण कितने बजे कहाँ पड़ेगा, अमेरिका में कहाँ पड़ेगा, आज नहीं है, दो दिन बाद ग्रहण होने वाला है, 10 दिन बाद होने वाला है, तो वो सब वो गणना यानी भूत और भविष्य की घटनाओं को भी ज्ञान जान सकता है। अब अनंत काल को जान सकता है, करोड़ों वर्षों को जान सकता है, तो जब हम 10 साल पुराना जान सकते हैं, और ज्योतिष लोग जो है वो, मेरे पास तो एक कैलेंडर आया था जिसमें 100 साल का था, 100 साल भविष्य के, कि कौन सी तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, उसमें क्या क्या कैसा घटना है, और मिति तिथि दूस तीस चौथ पंचमी, ये हिंदी से भी और अंग्रेजी से भी दोनों का
पढ़ी होगी वो पुस्तक, पुस्तक थी 100 साल की है। तो अब वो फिर अनंत काल अगर ज्ञान पूरा खिल जाए तो अनंत का जान सकता है। मतलब सिद्धांत तो ये है कि एट प्रेजेंट को ही जाने, पास्ट और फ्यूचर को नहीं जाने, ऐसा नहीं है। ये तो हम अपने आप में फील करते कह रहे सर्वज्ञता की बात है, वो ज्ञान की शक्ति की बात है। मैं तो ज्ञान का स्वपर प्रकाशक बना क्या है इसको समझाने की मैंने कोशिश की। वो बात नहीं है, मैं कहने का मतलब क्या है, ज्ञान नहीं जान सकते तो मेरा प्रश्न नहीं है। ये जो ज्ञान के अंदर एक ऐसी दिव्यता है, यहाँ अपन क्या बता रहे हैं, यहाँ अपन को समझ में कि नहीं झलकते तो ज्ञान का ही आकार बनता है। यहाँ पे जो अपना अभी जो अपने तो वही आकार को ज्ञान जानता है तो स्व प्रकाशक ये है, लेकिन जो नहीं अभी है ही नहीं तो वो झलकने की बात कहाँ से आएगी। तो ज्ञान की एक दिव्यता है कि जो सब कुछ जान सकता है। चलो आपने समाधान दिव्यता है इस बात को प्रवचन सार में भी यही उठाया है, अगर ज्ञान भूत और भविष्य की पर्यायों को न जाने तो उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान क्यों कहें। ये मुद्दा जुड़ा है सर्वज्ञता की श्रद्धा से। जिसको सर्वज्ञता का भरोसा नहीं है, समझ में आया ना, तो वो ये नहीं मान सकता है कि भूत भविष्य को जान सकता है ज्ञान। लेकिन सब दर्शन अपने अपने इष्ट देव को सर्वज्ञ मानते, गॉड हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, खुदा हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, हर धर्म वाले अपने अपने जो आराध्य हैं, कोई ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि वो सर्वज्ञ नहीं है, वो अल्पज्ञ है। वो तो एक स्टेप आगे मानते हैं कि वो मालिक है, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी से होता है। वो तो यहाँ तक पहुँचते हैं, अपने यहाँ को केवल जानने तक ही बात सीमित है। तो इसके आधार पे जो आप कह रहे हो ना, प्रवचन सार में ये निष्कर्ष निकाला गया है कि पदार्थ में भी भूत और भविष्य की जो पर्याय हैं वो होंगी और होने वाली हैं, ऐसी जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो पर्याय पड़ी है उसमें योग्यता के रूप में। वो ज्ञान का विषय बनी तो गेर होना चाहिए जगत में, हवा में नहीं होना चाहिए, समझना। तो हवा भी एक पदार्थ है वैसे तो, एक जो चीज ज्ञान में जानी है वो अगर सर्वथा उसका अभाव हुए तो इसका अर्थ ये है कि ज्ञान का वो ज्ञान प्रमाणिक नहीं रहा, जो जाना वो है ही नहीं। तो कहते पदार्थ, अगर मेरा मोक्ष 10 साल बाद होना है, 2 भव बाद होना है, तो वो अभी मेरे अंदर वो समझ लो त्रिकालवर्ती पर्यायों की जो माला है, क्रम है, उसमें वो अपनी जगह पे बैठा हुआ है। इसलिए कहते भूत और भविष्य की पर्याय भी कथनचित विद्यमान है। ये विषय तो बहुत आगे आने वाला था लेकिन आपने अभी उठाया। अभी दूसरा पॉइंट है स्वपर प्रकाशक क्यों। तो क्यों के 2 अर्थ हैं कि ज्ञान क्यों जानता है, इसमें भी क्यों का अपन प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। तो जानता है तो जानने का स्वभाव है, तो स्वभाव में कोई क्यों लागू करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। स्वभाव तो जैसा है वैसे ही स्वीकार किया जाता है। अग्नि गर्म क्यों होती है, बर्फ ठंडा क्यों होता है, समझ में आया ना, पानी इतना लिक्विड तरल क्यों होता है, ऊपर से नीचे क्यों बहता है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता है, समझ में। इत्यादि हजारों चीजें हैं जो हम कुदरत की व्यवस्था है उसको ऐसी किस स्वीकार कर लेते, उसमें क्यों नहीं लगाते। गुलाब के फूल का कलर ऐसा क्यों है, कमल का कलर ऐसा क्यों है, केला ऐसे ऐसे सेब वाला क्यों होता है, उसमें शुगर क्यों होती है, नीम में क्यों, तो तुम हर चीज में लगाओगे। तो क्यों जो है वो प्राकृतिक व्यवस्था है, वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तो ज्ञान ही क्यों जानता है, सुख क्यों नहीं जानता, दर्शन क्यों नहीं जानता, उद्गल क्यों नहीं जानता, समझ में आया ना। अगर उसे नहीं जानने का स्वभाव है तो नहीं जानता। सुख गुण का स्वभाव दूसरा है, ज्ञान गुण का स्वभाव दूसरा है, इस तरह वहां क्यों नहीं लगता। लेकिन हमने जो क्यों लगाया है वो इसलिए लगाया कि हम इसको क्यों जाने, इसको जानने से क्या लाभ है। दूसरा पॉइंट है क्या, क्यों और कैसे, 3 पॉइंट है ना। पहले मैंने 3 पॉइंट रखे, स्वपर प्रकाशक क्या, क्यों और कैसे। क्यों जानना,
इसका उत्तर वो बाबूजी की जो पंक्तियां हैं, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान। तो बस ये दुख का कारण है। हम तो ज्ञायक हैं, हम तो ज्ञान स्वभावी है ना, ज्ञान तो हम स्वयं ज्ञानमय हैं। ख्याल में आए ना, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। तो हम स्वयं जैसे मिश्री स्वयं अपने स्वभाव से मीठी है, वैसे हम अपने स्वभाव से ज्ञान स्वभावी हैं। तो उसे नहीं जानने के कारण ही मिथ्यात्व खड़ा होता है। क्यों का उत्तर दे रहा हूं मैं, क्यों जानना इस विषय को, अब कितने गहराई में जानना वो मुद्दा अलग है। कि सिंपल अपन ने परिभाषा जान ली, वो महिमा समझ ली, पर से दृष्टि हट गई, काम हो गया समझ लो। लेकिन अपने स्वभाव को न जानकर फिर जीव देह को अपना मानता है, राग को अपना मान रहा है, पर विषयों में सुख मान रहा है। और ज्ञान में जो ये पदार्थ झलकते हैं, जो पृथ्वी में बनते हैं, तो ये भिन्न है और ज्ञान मेरा भिन्न है, ऐसा नहीं जानता है। इसलिए तो 31वीं गाथा में ये क्या एक शंकर दोष दूर किया आचार्य ने, कि द्रव इंद्री, भाव इंद्री और इंद्री के विषय, वहां तो भाव इंद्री को भी पर में ले लिया। समझ में आया ना, यहाँ तक बात गई। नियम सार में तो छाये भाव को भी पर में ले लिया, तो वो व्याख्याएं अलग हैं। सीधा उसका उत्तर ये है कि ये जीव अपने स्वभाव को न जानकर ही मिथ्यात् भाव रूप से परिणमित हो रहा है। ये मिथ्यात् इसलिए खड़ा हुआ कि हमने अपने ज्ञान स्वभाव को अनादि से नहीं जाना। तो अपने को नहीं जानेंगे तो पर को अपना माने बिना रहे नहीं। अपना माना तो अपने को उसका कर्ता भी माना, उसका भोक्ता माना। यानी मिथ्यात् के जितने हजारों रूप हैं, उनकी उद्गम स्थल, उनकी जन्म स्थली ये अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने से है। तो सुखी होने का मार्ग इसको समझने में है। अब ज्ञान स्वभाव को नहीं समझो तो है, और समझो तो है। ज्ञान तो ज्ञान के सुपर प्रकाशक स्वभाव पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज्ञानी उसे जानते हैं और अज्ञानी नहीं जानते हैं। नहीं जाने तो भी स्वभाव तो है ही है ना। अगर अज्ञानी के पास ज्ञान में सुपर प्रकाशक बना नहीं हो, तो फिर अज्ञानी किसके आश्रय से ज्ञानी बनेगा? फिर वो अपने ज्ञान स्वभाव है ही नहीं, वो तो नष्ट हो गया। तो फिर उसको स्वभाव को जान के ज्ञानी कैसे बनेगा? जैसे त्रिकाली ध्रुव की बात करते हैं, तो अज्ञानी के आत्मा में त्रिकाली ध्रुव है कि नहीं? उसमें भी अनंत शक्तियां हैं कि नहीं है? जैसे अनंत शक्तियां हैं तो ज्ञान शक्ति भी है, ज्ञान शक्ति है तो ज्ञान का स्वभाव भी है। और ज्ञान दर्शन और वीर, ये तीन चीजें तो ऐसी हैं कि अज्ञानी के भी परिणमन में जो इनका प्रवाह पर्याय में चलता है, उसमें ज्ञान में ज्ञान, जानपना की क्रिया, दर्शन में दर्शन की क्रिया, और वीर में शक्ति का अंश, ये तीन का स्वभाव का अंश तो सदा विद्यमान रहता ही रहता है। क्या बोला? त्रिकाली स्वभाव की बात नहीं है राजेश भाई। ये जैसे हम जान रहे हैं, तो अगर हमारे में ज्ञान ज्ञान वर्तमान पर्याय में जानपना की क्रिया नहीं होती तो कैसे जानते? दर्शन है ये तो अपन आगम से जानते हैं। और शक्ति, ये जो अपन शक्ति बोलते हैं ना, तीन बल, बल कितने होते हैं? तीन बल कौन कौन से? मन बल, वचन बल और काय बल। ये तीन बल भी, इनमें भी मन वचन काय तो जड़ है, ये आत्मा का बल नहीं है। वीरांतराय के क्षयोपशम से जितनी शक्ति प्रकट हुई है, उसके मेहनत से ये तीन बल है। ये वास्तव में क्या है ना? तो इस तरह से इसको जानकर ही जीव सुखी हो सकता है, इसलिए जानना जरूरी। अब तीसरा बिंदु जरा वो विस्तार वाला है कि इसको किस तरीके से जानना। तो अपन इसको आगम शैली में, अध्यात्म शैली में, दार्शनिक शैली में, सैद्धांतिक शैली में, न्याय ग्रंथों में, बहुत सारे इसके ब्रांचेज हैं। तो मुख्य तो अपन को निश्चय और व्यवहार की शैली से जानने प्रयोजन भूत है, ऐसे जानना। अब निश्चय व्यवहार की बात जब आएगी तब आएगी। अब मैं इसके बोल पढ़ के सुनाता हूँ,
और मुझे क्या छोड़ना है और क्या लेना है वो भी आपको बता दूंगा। उसको बोलूंगा इसकी कॉपी यहाँ रख दे ले, तो आपको देखने में भी सुविधा होगी। पहला तो है इतने जिसके दिमाग में जो घूमता है ना वो वहीं से शुरू करता है। कल तो मैंने मैसेज भी दिया था ये विषय मत छेड़ना, लेकिन वो शुरू करने वाले के दिमाग में कोई कोई घूम रहा था, तो आधा घंटे तक कोई 15 मिनट तक कोई चलता रहा। फिर मैंने एड्रेस किया, मैंने कहा भाई साहब जो मूल मुद्दा है पहले वो लीजिए आप। ऐसा है तो इनने तो पहले वही लिया, आचार्य कुंदकुल की दृष्टि में सुपर प्रकाशक का स्वरूप, आचार्य वीरसेन की दृष्टि में सुपर प्रकाशक का स्वरूप। अगर तो PhD करे, शोध प्रबंध लिखे, उसके काम का है, अपने काम का भी है, लेकिन अपन एक एक सीढ़ी चल के वहां तक पहुंचेंगे ना। ज्ञान दर्शन के संदर्भ में सुपर प्रकाशक की विविध व्याख्याओं का ब्रह्म देवी समन्वय, ये बिल्कुल PhD की लैंग्वेज है। तो मतलब ब्रह्म देवी माने क्या होता है आप समझे? ब्रह्म देवी कोई देवी है ब्रह्म नाम की, ऐसा है। ये जो ग्रह संग्रह शास्त्र है उसकी टीका ब्रह्मदेव सूरी ने लिखी है। सूरी मतलब आचार्य होता है, तो ब्रह्मदेव सूरी की टीका है। तो उन्होंने 44वीं गाथा में जो वर्णन किया है वो दर्शन स्व को जानता है और ज्ञान पर को जानता है, इसका भी मतलब समझाया है, और दर्शन और ज्ञान दोनों स्व पर प्रकाशक हैं इसका भी मतलब समझाया है। संक्षेप में मैं आपको इसकी तथा कथा बता दूं, ये सब ज्ञान है जी, ये दर्शन वाला ना। चलो मैं संक्षेप में कहता हूँ जाना, ऐसा है कि आचार्य कुंद के समय में ऐसी मान्यताएं चलती होंगी ज्ञान, और अन्य मत में भी ऐसा बहुत है। उन्हें बताया था वीर सागर ने कि बहुत से लोग जो हैं कि जो दूसरों को जान सकता है वो अपने को नहीं जान सकता, और इसके लिए उदाहरण भी बहुत से देते, जैसे वो नट जो है ना रस्सी पे चलने वाला, तुमने सुनी थी कल की चर्चा, वो रस्सी पे चलने वाला जो नट है वो अपने कंधों पे नहीं चल सकता है। कैंची दूसरों को काट सकती है लेकिन अपने को नहीं काट सकती, आंख दूसरों को देख सकती है लेकिन अपने को नहीं देख सकती, ऐसे ज्ञान सबको जान सकता है लेकिन अपने को नहीं जान सकता। इसलिए न्याय ग्रंथों में उदाहरण को प्रमाण नहीं मानते, उदाहरण इस पक्ष में भी बहुत से हैं और उस पक्ष में भी बहुत से। अग्नि स्वयं जलती है और ईंधन को भी जलाती, बोलो आप, उसमें ज्वलनशीलता स्वयं में ही है और ईंधन को भी जलाती है। अब ऐसे ऐसे स्वयं करने वाले स्वयं जानने वाले ऐसे बहुत से, और माँ स्वयं खाना बनाती है अपने लिए भी बनाती दूसरों के लिए भी बनाती। तो उदाहरण को मैं काट दिया, मैंने उदाहरण को उदाहरण से समझा है, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो आप कैंची से और वो क्या बोलते हैं आंख से, ये तो जल पदार्थ है, लेकिन आप समझ लीजिए क्या बोलते हैं इस ज्ञान की तुलना करें वो उचित नहीं है, लेकिन ऐसा था मत। इसलिए आचार्य कुंद को दृढ़ता पूर्वक ये कहना पड़ा कि दर्शन और ज्ञान दोनों चेतना के परिणाम हैं, और चेतना का जब कोई पदार्थ को ग्रहण करती है तो पहले निराकार उपयोग में करती है, लेकिन उस निराकार में भी आगे क्या होने वाला है, ये उदाहरण कल मेरे दिमाग में आ गया था, बीज का उदाहरण। सभा में दूसरा उदाहरण देना थोड़ा संकोच होता है, लेकिन बात बहुत गंभीर है इसलिए मैं देता हूँ गंभीरता से। किसी माँ के समझ लो आज की तारीख में उसको गर्भस्थ हुई, जैसे भगवान की माँ हुई तो जान लेते हैं ना पिताजी दूसरे दिन हो गए तुम्हारे गर्भ में बालक आ चुका है, तो अभी उस गर्भ शिशु ने आकार ग्रहण नहीं किया है, आकार तो बाद में बनता है ना 2 महीने 3 महीने बाद
जब वो डॉक्टर लोग भी मशीन से बता रहे, कितने महीने बाद बता सकते हैं? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने के बाद में बता सकते हैं। हाँ, मतलब मेल, ये मेल चाइल्ड है कि फीमेल चाइल्ड है, ऐसा। तो आप देखो, तो 2 महीने तक वो निराकार है, लेकिन उस निराकार में आगे क्या आकार होगा इसी योग्यता है। इसी तरह हमने ये मोबाइल को देखा तो मतलब मति ज्ञान के द्वारा मोबाइल का ज्ञान किया, उसके पहले दर्शनोपयोग होगा। इंद्रिय ज्ञान में मति ज्ञान में पहले दर्शनोपयोग होता है, तो दर्शनोपयोग में तो आकार नहीं बनेगा, अकेली मोबाइल की सत्ता मात्र का ग्रहण होगा। लेकिन वो सत्ता किस पदार्थ की है वो आगे ज्ञान बता देगा कि ये तो तुमने जो निराकार दर्शन था वो उसका आगे का परिणमन मोबाइल के आकार में होने वाला है। इस अपेक्षा देखो कि उसमें आगे क्या होने वाला है, इसके लिए उसमें दर्शन में भी स्वपर प्रकाशक बना मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को दर्शन ही पकड़ में नहीं आता, अपन ने तो भगवान के ज्ञान से जाना है कि कोई दर्शनोपयोग नाम की चीज भी होती है जो सत्ता मात्र को ग्रहण करती है। स्वरूप को ग्रहण करे वो ज्ञान, और सत्ता को ग्रहण करे वो दर्शन। तो सत्ता में तो सत्ता है बस इतना है इतना क्या है, तो अग्रगी आवाज धारण चालू हो जाएगा। तो ऐसे इसमें अनेक प्रकार की अपने यहाँ दार्शनिक मान्यताएं हैं। और जो तीसरा पॉइंट है, ब्रह्मदेव सूरी ने उसका समाधान किया है, 2 बच्चों ने बोला था इसके बारे में, और उन्होंने काफी मेहनत भी की थी। मैंने तो निशान लगाए थे 4th, 5th, 6th, 7th, 8th में। स्वपर प्रकाशक में स्व और पर के विविध आयाम, इस पर अभी मैं बोल चुका हूँ। आयाम मतलब कितने एंगल से स्व और पर। तो देखो अभी आपको मजा आएगा कि भेद विज्ञान के हिसाब से हमने एक पुस्तक पढ़ी थी शब्दभंगी तरंग, उसमें स्व और पर के 5 बोल थे। तो किसी ने मुझे बताया कि राज भारती में 10 बोल हैं, अब वो 10 बोल तो मैंने देखे नहीं, लेकिन 5 बोल बड़े मजेदार है। क्या है कि एक घड़ा रखा है मिट्टी का, तो घड़े के लिए घड़ा स्व है, और कपड़ा है, लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सब पर है। तो सारे घड़े जितने हजारों लाखों हैं वे सब स्व में शामिल हो गए, समझ, जैसे जीव स्व में शामिल हो गया ऐसा। पहले विजातीय द्रव्यों में स्वपर विभाग किया, ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सरल है। विजाती है ना, घट मिट्टी है, और कपड़ा है, सोना है, चांदी है, दूसरी चीजें हैं वो अलग है। तो घट का अन्य पदार्थों से भिन्नता बताई, तो विजातीय द्रव्यों से बताई। अब इतने सारे घट हैं तो हमारे प्रयोजन का कौन सा है? हमारे प्रयोजन में जो हमारे घर में रखा है वो हमारे मतलब का है, इसलिए पर्टिकुलर घट घड़ा जो हमारे घर में है उस घड़े के लिए वो घड़ा स्व है, और बाकी के दूसरे घड़े जो हैं वो पर हैं। भले एक घड़े में हमने घी रखा है और दूसरे घड़े में कोई दूसरी चीज भी रखी है, मान लो ख्याल में आए ना, तो हम लोग घी के घड़े को का प्रयोजन है, तो घी का घड़ा स्व है, कोई मान लो दूसरा घड़ा हो, अरे ये नहीं चाहिए वो वाला ना जिसमें घी रखा है। तो सजातीय द्रव्यों में भी कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वो स्व है और बाकी सब पर है, ख्याल में आया ना। अभी तीसरा स्टेप क्या है, एक विजातीय द्रव्य हो गया, एक सजातीय द्रव्य हो गया, अब तीसरा क्या है कि घड़े का जो पहले उसकी पिंड रूप पर्याय थी, तो कुमार के यहाँ कच्ची अवस्था में था, उसके पहले मिट्टी थी, तो वो हमारे काम की थोड़ी है, और कल को अगर ये फूट जाए तो हमारे काम का नहीं रहेगा। तो हमारा जो प्रयोजन है वो तो घड़े की वर्तमान अवस्था से ही है ना, उसी का तो हम यूज करते हैं। कल की जो अवस्था थी उसका हम क्या यूज करेंगे, इसलिए उसी घट की भूत और भविष्य की पर्याय वाला घड़ा पर है। सोचो भेद विज्ञान कहाँ तक जाता है। मैं आपको बताऊं, एक बार जयपुर में शिविर था, लालचंद भाई आते, 15 दिन के शिविर होते थे, हम पढ़ते थे उस समय,
तो ये मैंने बता दिया वहाँ सप्तभंगी तरंगली वगैरह कुछ सब। और एक गोष्ठी हुई थी बहुत बढ़िया, इसमें हमारे लोहाड़िया जी भी थे, जी अशोक गोयल थे, ऐसे 5-7 लोग बच्चे थे। राजचंद भाई इतने खुश थे, बोले राजकोट में हम शिविर रखेंगे और उसने इन्हीं बच्चों को बुला के वहाँ पर ये ज्ञान गोष्ठी कराएं, वो ज्ञान गोष्ठी बोलते थे, ज्ञान गोष्ठी कराएंगे। तो स्पेशल हम लोग वहाँ गए और उस दिन तो भैया हम पहले तो सोनगढ़ जाएंगे और ऐसी व्यवस्थाएं थी नहीं, 4 घंटे तक बस स्टैंड पर खड़े रहे, राजकोट की बसें नहीं मिली बहुत मतलब प्रॉब्लम हुई। लेकिन वहाँ जो हमने सुनाया तो हर आदमी बोले सप्तभंगी तरंगिणी कहाँ मिलेगी, सप्तभंगी तरंगिणी कहाँ मिलेगी, तो वो जिज्ञासा जगी बहुत। तो तीसरा पॉइंट कौन सा है, घट की भूत और भविष्य पर्याय, तो वर्तमान पर्याय वाला घड़ा वो स्व है और बाकी तीनों पर भूत भविष्य की पर्याय पर है, तीन हो गए। अभी चौथे में घड़ा और घड़े का ज्ञान, अब वो आपका वो गेयाकार ज्ञान आ जाएगा, घड़ा और घड़े का ज्ञान। तो हमारा काम घड़े से चलता है कि घड़े के ज्ञान से चलता है, ये ज्ञान से चलता है। तो ज्ञान से मात्र जानने का काम चलता है, जैसे पेट रोटी के ज्ञान से नहीं भरता, रोटी से ही भरता है यहाँ तो ये व्यवस्था है, समझ में आया ना। मिठाई के ज्ञान से मुंह मीठा नहीं होता है, मिठाई से ही होता है। तो घट और घट ज्ञान, तो ज्ञान तो आत्मा में उत्पन्न होता है, तो ज्ञान पर है घड़े के लिए, ज्ञान चेतन है, घड़ा जड़ है। तो घड़ा और ज्ञान दोनों भिन्न भिन्न है ना, और हमने पॉइंट किसको बनाया है, मेन पॉइंट घड़े को बनाया है। तो घड़े के लिए घड़ा स्व है और घड़े को जानने वाला ज्ञान पर है। मैंने स्व पर के विविध आयाम कितने एंगल हैं, तो ज्ञान और घड़ा ये दोनों भिन्न भिन्न हो गए। अब पांचवे में क्या किया हमने कि घड़े को तो एक तरफ कर दिया और घटाकार ज्ञान और सामान्य ज्ञान जो 15वीं गाथा में है, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और गेयाकार ज्ञान का तिरोभाव, तो उसके भेद विज्ञान करने की प्रेरणा दी है। तो घट ज्ञान जो है घड़े के एंगल से देखा जाए तो घट ज्ञान स्व है और जो सामान्य ज्ञान वो पर है, यानी सामान्य ज्ञान और घटाकार ज्ञान दोनों भिन्न भिन्न है। यहां तो ये समझो जब हमें सम्यक दर्शन करना हो तो हमारी स्व पर की परिभाषा बदल जाएगी, उस समय सामान्य ज्ञान स्व हो जाएगा और घटाकार ज्ञान पर हो जाएगा, क्योंकि हमको सामान्य ज्ञान से दृष्टि विशेष ज्ञान से दृष्टि हटाना है, विशेष में भेद पड़ता है, ये दिखाई देंगे और सामान्य को देखेंगे तो सम्यक ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देगा, चाहे घड़े को जाने, चाहे कपड़े को जाने, चाहे देवशास्त्र गुरु को जाने, चाहे किसी को जाने, सब गेयाकारों में ज्ञान मात्र को जानना तो दृष्टि स्वभाव पर आती है, इसलिए ज्ञान स्वभाव की दृष्टि कराते हैं। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग आबाल गोपाल सबको भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, तो वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा गेयाकारों में परिणत हो रहा है। तो अभी घट के एंगल से देखा जाए तो सामान्य ज्ञान में घट नहीं जाना जाता, क्या कहा, जो जानन क्रिया मत क्या कर रहे जान रहे, क्या कर रहे जान रहे। आप कहां तक पढ़े हो, एमए तक पढ़े हो, एमए में विषय क्या थे, इससे आपको क्या मतलब, ऐसे कैसे चलेगा, अब विषय बताना पड़ेगा। तो ज्ञान ने क्या किया, जाना, अरे किसको जाना, तो घड़े को जानने वाले ज्ञान से प्रयोजन सिद्धि होगी घड़े की, घड़े के प्रति हम व्यवहार कब करेंगे, ये घड़ा अच्छा है, मजबूत है, पक्का है, हमारा है, तुम्हारा है, ऐसा जो फिर इसमें पानी भरना है कि इसमें घी भरना है, ये व्यवहार हम कब करेंगे कि जब उस ज्ञान से घड़े को जानेंगे। इसलिए घट ज्ञान प्रयोजन भूत है घड़े के व्यवहार के लिए, सामान्य ज्ञान मात्र प्रयोजन भूत नहीं है। अब सामान्य ज्ञान तो इसलिए खड़ा हो गया कि जानन क्रिया ही नहीं हो तो किसको जाने, ये सवाल कहां से पैदा होगा, तो जाने और घट को जाने, ये न्याय उसने सप्तभंगी तरंगिणी ने दिया है। कल या परसों मैंने ऐसे कहा था
कि ये ढेर विज्ञान के प्रयोजन की बात है। हम सुपर प्रकाशक स्वभाव की बात करें तो सुपर प्रकाशक स्वभाव में तो जो ज्ञान में ज्ञाकार बनते हैं वो ज्ञाकार को ज्ञेय की तरफ से ज्ञाकार नाम दिया। ये प्रवचन सारणी शायद 34वीं या 37वीं गाथा 33वीं गाथा के भावार्थ में बहुत बढ़िया है। तो हम ज्ञाकार नाम ज्ञेय की तरफ से उसको बोले कि ये ज्ञाकार है तो वो पर हो गया। लेकिन उसमें रॉ मटेरियल क्या है? घटे घड़े को जानने वाला ज्ञान मिट्टी से बना है कि ज्ञान से बना है? जैसे पत्थर के हाथी मंदिर में रखे हैं तो हाथी तो पत्थर के हैं। ये हाथी को जानने वाला ज्ञान वो पत्थर से बना है कि ज्ञान से बना है? तो किसी को भी जाने, ज्ञान तो ज्ञान जो भी है, इसलिए ज्ञान स्व है और ज्ञे पर है। इतने ही स्व पर यहाँ प्रयोजन भूत है स्वपर प्रकाशक में। तो इस तरह से स्व पर के विविध आयाम, ये चौथा पॉइंट भी डील किया दर्शन उपयोग के काल में और ज्ञान उपयोग के काल में, ये सब अपन ने डील कर लिया। अभी सातवें पे अपन कल चर्चा करेंगे, तो आप उसको कह देना जरा, मैं भी कह दूंगा। वो 10-20 कॉपियां रख दे तो लोगों को थोड़ा अट्रैक्शन भी होगा। ठीक है माणिकचंद, फोटो कापी करवा दे, कहाँ गया? चलो अभी समय हो गया, इसलिए बड़े अच्छे अच्छे बोल भी हैं इसमें, तो जो कठिन है और जन सामान्य के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है उनको अपन कह के मात्र आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो है उनकी अपन चर्चा अच्छी करेंगे तो 2-3 दिन में एक सांगोपांग विवेचन हो जाएगा, तो हमेशा के लिए काम में आए। अभी यही विराम दे। मिथ्या तम नाश रे को ज्ञान के प्रकाश रे को माता पर भाष रे को भानु सी बतानी है।